मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों को परखने भारत निर्वाचन आयोग का फुल कमीशन कल से 3 दिनों तक यानी 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेगा। दल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल सहित आयोग के 14 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। फुल बेंच की बैठक में चुनाव आयोग द्वारा अब तक दिए गए चुनाव तैयारी संबंधित निर्देशों पर अमल की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों पर विचार करेगा। इन दिनों में राजनीतिक दलों, मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव का पूरा डाटा फिट करके लेकर जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लगने से पहले विधानसभा चुनाव के जमीनी स्तर पर तैयारियों को परखा जाएगा। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग का फुल बेंच 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेगी। इसमें मतदान केंद्रों की स्थिति, संवेदनशील मतदान केंद्र, मतदान केंद्रों में दूरसंचार व्यवस्था, पहुंच मार्ग की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की स्थिति, अंतर्राज्यीय सीमा से लगे मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति, अधिकारियों कर्मचारियों को सौंपे जाने वाले दायित्वों के बारे में जानकारी ली जाएगी। पहले दिन यानी कि कल 29 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे तथा एयरपोर्ट आदि के नोडल अधिकारियों से विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में चर्चा करेंगे। गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष 30 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों द्वारा तैयारियों से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे।